श्रीधर जी, आपकी बेटी की बदनामी हमारी वजह से हुई है, तो उसका मान सम्मान लौटाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। रुचिता जैसी लड़की हमारे घर की बहू बनकर आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। श्रीधर जी, आपकी बेटी एक असली हीरा है और मुझे मेरे परिवार के लिए ऐसे ही बहू चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही बड़ा फैसला है और इसका आप जवाब तुरंत नहीं दे सकते, और मैं इसकी उम्मीद भी नहीं रखता हूं। बस मैं इतना चाहता हूं कि आप ठंडे दिमाग से, खुले मन से इस पर विचार कीजिए और अपना जवाब मुझे जल्द से जल्द दीजिए। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। चलता हूं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी इतना बड़ा इल्जाम लगाया हमारी बिटिया पर और सीधा रिश्ता लेके आ गए। अरे इल्जाम लगाया, लेकिन उसके लिए माफी भी तो मांगी। ऐसा रिश्ता तो भाग्य से मिलता है। लेकिन हमारे और उनके परिवार का कोई मेल नहीं है, रुचि कैसे निभाएगी वहां पे? और ना जाने निहार बेटे का क्या जवाब होगा। लो कर लो बात, इतने बड़े घर के लोग हैं, क्या आपने लाडले बेटे की मर्जी भी नहीं पूछेंगे? उसकी हाँ के बिना ही रिश्ता ले आए होंगे। आई लव यू। वाह दीदी, तेरी तो ऐश है, इतने बड़े घर में रिश्ता। ये सब खाटू श्याम जी महाराज की कृपा से हुआ है। पर बस करो तुम लोग भाई, सवाल ये नहीं है कि हम लोग क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि रुचिता क्या चाहती है। हाँ रुचि, जो तू बोलेगी वही होगा बेटा। पापा, सब कुछ ऐसे जल्दी जल्दी हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कल उनका यूं मेरे ऊपर इल्जाम लगाना और आज ये सब। हालांकि मैं जानती हूँ कल जो कुछ भी हुआ उसमें नरेश सर पूरी तरह गलत नहीं थे, और निहार सर ने जब उनको सच बताया होगा तो वो गुस्सा भी किए होंगे, लेकिन इन सब के बीच ऐसे शादी की बात कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। बेटा मैं समझता हूँ कि ये सब एकदम अचानक हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुझे निहार पसंद है? तो तुझे निहार पसंद है पापा? ऐसा नहीं है। तो तुझे नहीं पसंद तो रिश्ता मना कर दे। अरे रुक जा, नजर तो उतारने दे। जा बेटा, नरेश जी को हमारी तरफ से हाँ बोल दे। ढेर लग गया शादी के कार्ड्स का, दोस्तों रिश्तेदारों सबके यहाँ शादियां हो रही, पता नहीं हमारे घर में शहनाई कब बजेगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं भी यही सोच रही थी। एक अच्छी सी लड़की देखते हैं और निहार का रिश्ता भी तय कर देते हैं। वैसे भी अब तो ऑफिस जाने लगा है वो। मैडम ये मिठाई का डब्बा। ये कहाँ से आया, कौन लाया इसे? मैडम
मैं लाया हूं इसे। किस खुशी में? शादी तय होने की खुशी में। किसकी शादी? अब इस उम्र में मैं तो दूसरी शादी नहीं कर सकता। मजाक मत करो नरेश, किसकी शादी की बात कर रहे हो? आपके छोटे पोते निहार की शादी। नरेश, ये क्या कह रहे हो तुम? निहार की शादी किससे? मैंने निहार का रिश्ता श्रीधर जी की बेटी रुचिता के साथ तय कर दिया है। सीरियसली अमृता, मुझे निकिता के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कौन निकिता? मेरी पीए। उसका नाम रुचिता है। हाँ वही, उसी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारे की मेरी वजह से कितनी बदनामी हो गई। प्लीज निहार, तुम्हें उसके लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा गए हैं ना माफी मांगने, तो बस। एनीवेज वो सब छोड़ो और ये बताओ, अपनी फैमिली से कब बात कर रहे हो हमारे बारे में? बहुत जल्दी करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? हीरे के व्यापारी होकर एक ऐसी लड़की को अपने खानदान की बहू बनाना चाहते हैं जो सोना चढ़ा पीतल तक नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है पूनम, हमसे रिश्ता जोड़ने की हैसियत ही नहीं है उनकी। अपने एम्प्लॉय की बेटी से तो हमारे पोते निहार की शादी करवाने की सोच भी कैसे सकते हो? और वो रुचिता एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, और हमारा निहार इतना हैंडसम है। अरे कोई बराबरी नहीं है इन दोनों की, एकदम बेमेल जोड़ी है। मैं मानता हूं मां कि दिखने में रुचिता बिल्कुल साधारण है, लेकिन जिम्मेदारी और संस्कार में आपके निहार से कई गुना ज्यादा अमीर है। केवल संस्कार से शादी नहीं निपटी, शादी निभाने के लिए आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। और वो लड़की तो हम सबसे ही नहीं घुल मिल पाएगी, तो फिर निहार तो बहुत दूर की बात है। और समाज की भी सोचो नरेश, क्या कहेंगे सब? ऑफिस में काम करने वाली ऑफिस की हिस्सेदार बन गई, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मेरा निहार अगर आसमान की तरह साफ है तो वो रुचिता धरती की धूल जैसी है, धूल जैसी। आसमान और धरती कभी एक नहीं हो सकते हैं, समझे तुम? बस एक बार घर का माहौल थोड़ा ठीक हो जाए, फिर बताता हूँ मॉम को तुम्हारे बारे में। पर रुचिता काफी समझदार लगती है, अच्छी है। तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है रितु, इसलिए तुम अपनी राय तो दो ही मत। पापा आप एक बार हमारा ओपिनियन ना ही माने, लेकिन निहार का क्या? आपको लगता है वो ये रिश्ता मानेगा? नहीं माना तो मानना पड़ेगा उसे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को रुचिता से प्रॉब्लम क्या है। कितनी समझदार, संस्कारी और जिम्मेदार लड़की है वो। हमने उसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी उसने हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कितनी फिक्र करती है वो सबकी। याद है उस दिन अपनी परवाह किए बगैर उसने प्रिया को बचाया, कल उसने निहार का सच छिपाया ताकि वो दिक्कत में ना। और मां, आसमान सपना है जबकि हकीकत धरती है। आप सब लोगों को यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि निहार के जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए रुचिता से अच्छी जीवन साथी हो ही नहीं सकती। तुम बताओ तुम्हारा क्या सीन है इस घर और निहार को? रुचिता की जरूरत है, और रुचिता ही इस घर की बहू और निहार की पत्नी बन के रहेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है।
अगर अभी भी किसी को कुछ बोलना है, कहना है तो कहो। मुझे बोलना है पापा। और कितना देखोगे मुझे, नजर लग जाएगी। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों। अब और वेट नहीं हो रहा मुझसे, जल्दी से मिसेज निहार गोयल बनकर आ जाओ। रुचि संभाल खुद को, कहीं तो निहार सर के प्यार में ना पूरी तरह पागल ना हो जाए। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। तेरा है मन सुंदर। अच्छा हुआ तुमने सुन लिया, लेकिन जो सुना वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। देखो निहार, रुचिता बहुत ही समझदार लड़की है। होगी पापा, बट मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि उससे शादी कर लूं। अपनी बेवकूफियों का तो तुम कई सबूत दे चुके हो, इसलिए उसके बारे में बात ना करें तो ही बेहतर होगा। और रही बात तुम्हारी शादी की, तो उसका फैसला मैं कर चुका हूं। लेकिन वो फैसला मुझे मंजूर नहीं है पापा। भाई स्कूल कॉलेज की एडमिशन या मेरी पॉकेट मनी के अमाउंट के फैसले की बात नहीं है। जो आप जो कहोगे मैं मान लूंगा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। एंड आई एम सॉरी, इसका फैसला मेरे सिवा और कोई नहीं करेगा। पर निहार भैया। बस भाभी, इस मामले में मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। इस घर में आज तक सिर्फ वही हुआ है जो मैं चाहता हूं। लेकिन अब नहीं होगा पापा। पापा मैं भाई भाभी भैया या दादी नहीं हूं जो आपके डर से कुछ भी मान जाऊं। और आज तक आपकी हर बात मानी है मैंने, चाहे डर से, चाहे रो धोकर, चाहे मुंह सड़ाकर, मगर मानी है। लेकिन ये नहीं, मुझे जैसी लाइफ पार्टनर चाहिए उसमें वैसा कुछ है ही नहीं। ना सुंदरता, ना स्मार्टनेस, ना अपने आप को कैरी करने का ढंग, ना बात करने का सलीका, कुछ भी नहीं। उससे शादी करना मेरे लिए सुसाइड से भी बुरा है। और उससे शादी करके मैं अपनी लाइफ खत्म नहीं करूंगा। और रितिका रुचिता निहार, यस एग्जैक्टली, मैं रुचिता से शादी नहीं करूंगा। जिस लड़की का नाम याद रखना मैं जरूरी नहीं समझता, जिसे मैं अपनी पीए नहीं बनाना चाहता था, उस लड़की को मैं अपनी बीवी नहीं बनाऊंगा। जिसे जो करना है कर ले, मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। अगर आप लोगों को मेरी खुशियों की फिक्र नहीं है तो मैं भी आपके फैसलों की कदर नहीं करता। पापा
नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरे सर, माफ कीजिएगा, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं चला आया। उस पीए से शादी? फुट हमारा कोई मैच है ही नहीं। नहीं, वो मेरे टाइप की है, नहीं मैं उसे प्यार करता हूं। मैं अमृता से ही प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। नरेश जी, आप शगुन लेकर रिश्ता मांगने आए थे तो मैं उसे पक्का करने आया हूं। बधाई हो। मुबारक, आज से हम समधी हुए। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मना नहीं करेंगे, इसलिए घर आते वक्त मैंने पंडित जी से बात कर ली। उन्होंने कहा है आने वाले 3 से 4 दिन में शादी का शुभ मुहूर्त है। सर, इतनी जल्दी? नरेश, शादी ब्याह के मामले में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और फिर इन्हें भी तो तैयारी करने के लिए समय चाहिए ना। और फिर इतनी जल्दी भी क्या है, हम भी निहार की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। नहीं माँ, ये शादी बहुत ही सादगी से होगी। निहार से बात करनी है ना तुझे, तू मर क्यों रही है? ये ले। जिस तरह अभी फोन कट किया है उसी तरह तुम्हें अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है। नरेश सर, रुचि मेरी इकलौती बेटी है, उसकी शादी में मैं अपनी क्षमता से बढ़कर खर्चा करूंगा। बिल्कुल नहीं श्रीधर जी, आपके इलाज में पहले ही बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है, अब मैं आप पे ज्यादा बोझ नहीं डाल सकता। हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। और श्रीधर जी, जो खर्चा आप अपनी बेटी की शादी के लिए करना चाहते थे, वही खर्चा आप अपने बेटी की पढ़ाई में लगाइए, कोई दान धर्म में लगाइए। मेरे लिए शादी के आडंबर से ज्यादा 7 पहरों का महत्व है, क्योंकि शादियां खर्चों पे नहीं टिकती, वचनों पे टिकती हैं। बहुत किस्मत वाली है मेरी रुचि, जो उसे ऐसा ससुराल मिला। नरेश जी, अगर आपकी इजाजत हो तो निहार बेटे को शगुन का नारियल और चांदी का सिक्का दे दूं। श्रीधर जी, एक्चुअली निहार अभी अभी एक मीटिंग के लिए निकल गया। कोई बात नहीं, आप अगली बार आके दे दीजिएगा। जी, मुझे उम्मीद है कि इस रिश्ते से रुचिता खुश है। जी, हमारी खुशी में ही उसकी खुशी है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। पापा, आपने रिश्ता तो पक्का कर दिया लेकिन निहार नहीं मानेगा। निहार से बात करनी है ना तुझे, तू मर क्यों रही है? ये ले। जिस तरह अभी फोन कट किया है
उसी तरह तुम्हें अपनी लाइफ से कट ऑफ करूंगा। निहार, क्या किया बेटा तुमने? अपने पापा का गुस्सा घर की चीजों पर उतारोगे तुम? देखो कितना खराब कर दिया कमरा। मॉम, पापा मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं और आपको कमरे की पड़ी है। मॉम, पापा मेरी बात तो सुनेंगे नहीं और आप ही उन्हें समझाओ कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। अरे वो लड़की मेरे लिए है ही नहीं, ऐसी लड़कियों पर मैं ध्यान तक नहीं देता मॉम, तो शादी कैसे कर लूं? मॉम, आप प्लीज ना पापा से बात कीजिए। आज की डेट में लड़के पापा की चॉइस का रुमाल तक नहीं रखते और वो मुझसे शादी की उम्मीद कर रहे हैं। इस शादी में ना मेरी कभी मर्जी होगी ना प्यार होगा, वो मुझसे शादी की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? तो हम उसकी उम्मीद तोड़ देंगे। गलत उम्मीद रखोगे ना तो टूट के दर्द देगी ही। बेटा तू फिक्र मत कर, हम तेरे साथ हैं। ये जो तेरे पापा गलती करने जा रहे हैं ना, हम उसे सुधारेंगे। तू बस खुश रह। जिस घर में खुशी के नाम पर किसी की लाइफ का मर्डर प्लान किया जाए ना, वहां कभी कोई खुश नहीं रह सकता दादी। निहार से बात करनी है ना तुझे, तू मर क्यों रही है? ये ले। जिस तरह अभी फोन कट किया है उसी तरह तुम्हें अपनी लाइफ से कट ऑफ करूं। निहार से बात करनी है ना तुझे, तू मर क्यों रही है? ये ले। जिस तरह अभी फोन कट किया है उसी तरह तुम्हें अपनी लाइफ से कट ऑफ करूंगा।